क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम दुनिया के टॉप फुटबॉल प्लेयर्स में टॉप पर आता है। इसके अलावा ये दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स में से भी एक है। लेकिन क्या आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुछ खास चीजों के बारे में जानते हैं जिनका प्राइस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? जैसे कि उनका 70 मिलियन डॉलर्स का प्राइवेट जेट और प्रेशियस वैक्स स्टैच्यू, कार और उनके लग्जरी घरों की कीमत। और तो और, क्या आपको उनके एक बैलॉन डूअर ट्रॉफी की कीमत पता है? चलिए ये सब हम आपको बताते हैं। नंबर 10, प्राइवेट जेट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास बहुत से प्राइवेट जेट हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे खास एक अलग प्राइवेट जेट है, जो कि ऐसा वैसा जेट नहीं है बल्कि ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव जेट है। ये एक गल्फ स्ट्रीम प्राइवेट जेट है। चलिए आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। इस जेट की कीमत 70 मिलियन डॉलर्स है, जो कि लगभग 5 अरब इंडियन रुपीज होते हैं, जिसके अंदर एक साथ 80 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जो एक बार में 12,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। इस जेट पर रोनाल्डो ने अपने ब्रांड मार्क CR7 को भी प्रिंट करवाया हुआ है। रोनाल्डो अपने सारे ट्रैवल्स अपने प्राइवेट जेट से ही करना पसंद करते हैं, और जब इतना लग्जूरियस जेट मौजूद होगा तो भला कोई क्यों किसी दूसरे प्लेन में ट्रैवल करेगा। नंबर 9, यॉट्स। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब रोनाल्डो अपने प्राइवेट जेट में सफर करना पसंद करते हैं तो वो अपने वेकेशंस कहां पर और कैसे मनाते होंगे? तो दोस्तों, असल में रोनाल्डो अपने वेकेशंस अपने यॉट्स पर अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। लोग अक्सर घूमने के लिए यॉट्स को रेंट पर लेते हैं, लेकिन जब रोनाल्डो को घूमना होता है तो वो एक यॉट खरीद लेते हैं। रोनाल्डो के पास बहुत से यॉट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा महंगी फियास्को है, जिसकी कीमत लगभग 6 मिलियन यूरोज है, यानी कि लगभग 49 करोड़ इंडियन रुपीस। इस यॉट की खास बातें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस यॉट के अंदर टोटल 7 बेडरूम्स और 6 बाथरूम्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक मॉडर्न किचन भी है। बाकी आप इस यॉट की लग्जरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख ही सकते हैं। नंबर 8, कार्स कलेक्शन। रोनाल्डो को कार्स बचपन से ही बहुत पसंद थी, इसीलिए जब उन्हें अपना पहला पेचक मिला था तो रोनाल्डो ने उससे सबसे पहले कार खरीदी थी। रोनाल्डो के कार्स कलेक्शन के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनीज, पोर्श, मर्सिडीज, ऑडी और इन सभी कार्स में से सबसे ज्यादा महंगी बुगाटी चेंटो डीएची है, जिसका प्राइस लगभग 8 मिलियन यूरोस है, यानी 65 करोड़ से भी ज्यादा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोस्तों, पूरी दुनिया में बुगाटी चेंटो डीएची के सिर्फ 10 ही पीस अवेलेबल है, जिसमें से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। बुगाटी चेंटो डीएची में 1600 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जिसकी मदद से सिर्फ 2.4 सेकंड्स के अंदर इस कार की स्पीड 0 से 60 माइल्स तक पहुंच सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार इतनी महंगी क्यों है। रोनाल्डो के पास लगभग 30 मिलियन यूरोस का कार्स कलेक्शन मौजूद है। नंबर 7, डायमंड वॉच। इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग घड़ियां पहनते हैं। ये एक फैशन एक्सेसरी है। कुछ लोग स्टाइल देखकर घड़ी खरीदते हैं तो कुछ लोग ब्रांड देखकर घड़ी खरीदते हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रांड उन्हें देखकर बनाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको रोनाल्डो की घड़ी की कीमत और उसकी खासियत पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। रोनाल्डो के पास बहुत सी एक्सपेंसिव घड़ियों का कलेक्शन है, जिन्हें वो हर तरह के इवेंट में पहनते हैं, लेकिन इनकी सबसे महंगी घड़ी की कीमत लगभग 1.8 मिलियन डॉलर्स है, जो कि लगभग 14.5 करोड़ रुपए है, जो स्पेशली रोनाल्डो के लिए जेकब एंड कंपनी ने कस्टमाइज तरीके से बनाई है। इस वॉच में 424 व्हाइट डायमंड लगे हैं और रेड सफायर्स भी लगे हुए हैं। नंबर 6, ओन वैक्स स्टैच्यू। ये जो आप देख रहे हैं, ये असली क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, ये रोनाल्डो का वैक्स स्टैचू है। जी हाँ, दोनों अगर साथ में खड़े होंगे तो जुड़वा भाई ही लगेंगे। दोस्तों, रोनाल्डो ने असल में वैक्स स्टैचू का मॉडल मैड्रिड के एक म्यूजियम में देखा था, जहाँ उन्हें ये बहुत पसंद आया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने उस डिजाइनर को हायर करके उसके ही जैसा एक स्टैचू बनवाया, जिसकी कीमत $25,000 है। इस स्टैचू पर लगाए गए बाल भी असली हैं, जो इंडिया से स्पेशली मंगवाए गए थे। यह स्टैचू रोनाल्डो ने CR7 म्यूजियम में रखवाया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 5, लग्जरी हाउसेस। रोनाल्डो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को ट्रैवल कर चुके हैं। उन्हें जो जगह या घर पसंद आता है वो उसे खरीद लेते हैं। आप रोनाल्डो के घरों के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। रोनाल्डो के पास द मडियारा मैंशन है, जो मडियारा आइलैंड पर मौजूद है। इस घर की कीमत 7 मिलियन यूरोस है, यानी 57 करोड़ इंडियन रुपीस है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में भी एक लैविशिंग घर मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 18.5 मिलियन डॉलर्स है, जो कि अराउंड 1.5 अरब रुपीस होते हैं। रोनाल्डो ने अपने वेकेशन के लिए एक घर माबेला कंट्री क्लब में खरीदा है, जिसका प्राइस 1.2 मिलियन यूरोस है। इस माबेला हाउस में एक सिनेमा और एक बहुत बड़ा पूल भी मौजूद है। रोनाल्डो के पास रिवर साइड पर भी एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत लगभग 2.3 मिलियन डॉलर्स है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये अपार्टमेंट सिर्फ अपने फ्री टाइम को बिताने के लिए खरीदा है, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। रोनाल्डो के घरों की लिस्ट में द स्पेनिश कैसल भी शामिल है। ये कैसल मैड्रिड में मौजूद है, जिसके अंदर जिम और पूल भी है। इसके अलावा इस कैसल में एक रूम ऐसा भी है, जिसमें रोनाल्डो की जीती गई सारी ट्रॉफीज रखी हुई हैं।
इस कैसल की वैल्यू $5 मिलियन है। अब बात करते हैं उस घर की जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। रोनाल्डो ने 35,000 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस अपार्टमेंट लिस्बन में खरीदा है, जिसका प्राइस 7 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है, यानी लगभग 57 करोड़ इंडियन रुपीज। नंबर 4, फैशन। दोस्तों, रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर के अलावा एक और चीज के लिए बहुत मशहूर है, वो है उनका फैशन सेंस। रोनाल्डो किसी फैशन इन्फ्लुएंसर से कम नहीं है, वो बहुत गुड लुकिंग है, इसीलिए वो अक्सर बहुत से फैशन एड्स या मैगजीन में नजर आते रहते हैं। उनका फैशन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें असल में खुद को वेल ड्रेस्ड रखना बहुत पसंद है, इसीलिए आपने उन्हें कभी भी खराब अटायर और क्लोथ्स में नहीं देखा होगा। रोनाल्डो के पास नाइक की लाइफ टाइम डील भी है, यही वजह है कि आपने उन्हें अक्सर नाइक के अपीयरेंस में देखा होगा। इसी के साथ रोनाल्डो का अपना एक पर्सनल ब्रांड भी है, CR7। एक रिसर्च के मुताबिक रोनाल्डो के CR7 ब्रांड की वैल्यू $1,000 मिलियन से भी ज्यादा है। रोनाल्डो के CR7 ब्रांड के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे आईवेयर, परफ्यूम, जीन्स और अंडरगारमेंट्स एक्सेट्रा। नंबर 3, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। जब रोनाल्डो खुद इतनी लैविश जिंदगी जी रहे हैं, तो ये बात साफ है कि वो किसी को भी बहुत अच्छे और महंगे गिफ्ट्स देते होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोनाल्डो के दिए गए गिफ्ट के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रोनाल्डो ने अपने एजेंट जॉर्ज मेंडेस को उनकी शादी पर $50 मिलियन का एक आइलैंड गिफ्ट किया था। इसके अलावा रोनाल्डो अपनी वाइफ जॉर्जिना रोड्रिगेस को भी काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महंगा गिफ्ट है लुई विटॉन का ज्वेलरी ट्रंक, जिसकी कीमत $1,40,000 है। ये ट्रंक कस्टमाइज तरीके से स्पेशली रोनाल्डो ने अपनी वाइफ जॉर्जिना रोड्रिगेस के लिए बनवाया है। क्या आप जानते हैं, अब तक रोनाल्डो अपनी वाइफ को $4 मिलियन की ज्वेलरी गिफ्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर $60,000 की खूबसूरत वॉच और $50,000 का एक डायमंड ब्रेसलेट भी शामिल है। नंबर 2, CR7 म्यूजियम। क्या आप जानते हैं, रोनाल्डो का अपना एक म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम का नाम है CR7 म्यूजियम। लगातार बैलॉन डूअर ट्रॉफी जीतने के बाद रोनाल्डो ने पेस्ताना ग्रुप के साथ मिलकर CR7 म्यूजियम को ओपन किया। ये म्यूजियम रोनाल्डो के बर्थ प्लेस मजियारा आयरन के फंचल शहर में मौजूद है। इस म्यूजियम के ऊपर रोनाल्डो ने पेस्ताना ग्रुप के साथ मिलकर एक होटल भी बनवाया है। ये म्यूजियम 15 दिसंबर 2013 को ऑफिशियली खोला गया था। चलिए आप लोगों को इस म्यूजियम की कुछ खास बातें बताते हैं। इस म्यूजियम को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ को पोर्ट्रे करने के लिए बनाया गया है, और इस म्यूजियम में रोनाल्डो की जीती हुई सभी ट्रॉफीज को रखा गया है, जो लगभग 130 से भी ज्यादा हैं। इस म्यूजियम में सबसे फेमस ट्रॉफी द गोल्डन बॉल भी रखी गई है। इसके अंदर रोनाल्डो की स्टैचूज, जर्सीज, CR7 लोगो और शूज भी हैं। इस म्यूजियम में नाइक के कस्टमाइज CR7 शूज भी रखे हुए हैं, जिनकी कीमत $4 मिलियन से भी ज्यादा है। इतनी सारी इंपॉर्टेंट और प्रेशियस चीजें होने की वजह से इस म्यूजियम की 2400 घंटे और 7 दिन निगरानी करनी पड़ती है, जिसका खर्चा करोड़ों में आता है। खैर, रोनाल्डो के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1, चैरिटी वर्क। दोस्तों, चैरिटी वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको क्रिस्टियानो की गई चैरिटीज की डिटेल्स पता है? रोनाल्डो जितना ज्यादा अर्न करते हैं, उतना ही ज्यादा चैरिटी भी करते हैं। क्या आप जानते हैं, जब रोनाल्डो ने तीसरा बैलॉन डोर जीता था, तब उन्हें पता चला कि उनके एक नन्हे फैन को सीरियस ब्रेन डिजीज है, जिसके बाद रोनाल्डो ने उस बच्चे की सर्जरी के लिए $1,00,000 डोनेट किए थे। इस डोनेशन के बाद पता चला कि रोनाल्डो इस तरह के डोनेशंस करते रहते हैं। इस इवेंट के 2 साल बाद रोनाल्डो ने अपनी 5वीं बैलॉन डोर ट्रॉफीज को ऑक्शन करके एक मेक अ विश फाउंडेशन बनाने का फैसला किया, जिसके पैसों से सीरियस इलनेस वाले पेशेंट्स की मदद की जाएगी। दोस्तों, इस अच्छे काम के लिए उनकी एक बैलॉन डोर ट्रॉफी $7,00,000 में बिकी थी। इसके अलावा COVID-19 वायरस के दौरान भी रोनाल्डो ने अपने 4 महीनों के पे चेक को डोनेट कर दिया था, जो लगभग 3 मिलियन यूरोस था। अमेज़न फॉरेस्ट में लगी हुई आग को बुझाने के लिए भी रोनाल्डो ने बहुत से हेलीकॉप्टर्स को हायर किया था, जिससे जंगल में पानी डलवाया जा सके। रोनाल्डो ने अपनी चैरिटी का काम रोका नहीं है, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करते हैं और अपने फैंस का भी ध्यान रखते हैं। तभी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सच में बहुत महान है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। So till then, keep learning, keep growing.